बात करते हैं मौसम के बारे में। नोएडा में भारी बारिश ने सड़कों पर पानी ही पानी कर दिया है। खोड़ा की तस्वीरें आएंगी आपको दिखाएंगे, जहां 4 फुट तक पानी भर गया। अब सड़क को ढूंढ पाना मुश्किल है, क्योंकि 4 फुट पानी का मतलब तालाब में तब्दील सड़कें दिखाई दे रही हैं। खोड़ा का ये हाल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गाड़ियां किस रफ्तार में चल रही है, किस कदर चल रही है, इसका अंदाजा लगाइए कि 4 फुट तक पानी भर चुका है। बाकी जो खड़ी कार है उसे आप, उसके टायर को देखिए कितना डूब चुकी है। और ये तस्वीर आई जब 2 घंटे जोरदार बारिश हुई और उसके बाद नोएडा के खोड़ा की सड़क की तस्वीरें हैं आपके सामने। जगह जगह से जल जमाव की तस्वीरें आई हैं, लेकिन ये मौजूदा हालात खोड़ा से है, नोएडा से है। ज्यादा डिटेल्स के लिए सबसे पहले रुक करते हैं हमारे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी, उनसे जानते हैं उनकी लोकेशन कहां खड़े हैं और आने इस 2 घंटे की बारिश हुई होगी दिव्यांकर, ज्यादा नहीं, उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो डरावनी है। जी जी बिल्कुल श्लेलता, मैं सेक्टर 62 में ही फिलहाल मौजूद हूँ। तस्वीरें क्या हैं वो देखिए, यहाँ पर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है। नीचे यहाँ पर बात किया तो कई सारी जो गाड़ियां हैं बारिश में इस जो जल भराव की स्थितियां हुई थी उसमें फंस गई थी और उसके बाद यहाँ पर खराब हो गई हैं। इंतजार कर रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं। और सामने इसके अलावा ऑटो भी एक खड़ा हुआ नजर आएगा, वो भी खराब हो गया है इस बारिश के चलते। जो जल भराव की स्थितियां हुई थी और उसके बीच फंसे होने के बाद ये ऑटो भी खराब हो गया है। और अगर बात की जाए तो नोएडा की गिनती यूपी के सबसे स्वच्छ सबसे साफ शहरों में होती है। पहले पायदान पर नोएडा की गिनती होती है, लेकिन क्या तस्वीरें हैं, अथॉरिटी की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, इसकी साफ तौर से ये गवाही देती हुई ये तस्वीरें हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है जिनकी गाड़ियां फंस गई थी, उनसे उनसे हम बात करते हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा आशीष नाम है। गाड़ी अभी खराब हो गई? हाँ जी गाड़ी खराब हो गई। बताओ कितना इतना पानी भर रहा है, साइलेंसर में पानी पहुँच गया, कम से कम 50 गाड़ी खराब हो गई है। आशीष आशीष गाड़ी सर पानी की वजह से गाड़ी बंद हो जा रही है, इतना पानी भर रहा है, बहुत सारा पानी हो रहा है, चक्कर में गाड़ी बंद हो रही है, खराब हो चुकी है, 50 गाड़ी खड़ी है। दिव्यांकर आप जिस जहां खड़े हैं उसके पीछे जब कैमरामैन दिखा रहे थे, कैमरामैन को कहिए पीछे तक दिखाएं कि जब गाड़ी वहां से आ रही है तो आधी से ज्यादा डूबी हुई नजर आ रही है। अगर वो सीडान है तो समझिए कि उसके ऊपर तक पानी दिख रहा है, वो आधी से ज्यादा डूबी हुई। बिल्कुल विवेक, मैं बिल्कुल वो कोशिश करूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन हेमंत वो तस्वीरें दिखाए। आप सर ये एक बार तस्वीरें जूम करके दिखाइए किस तरह से जो गाड़ियां आ रही है वो किस बिल्कुल तरह से। दिव्यांकर इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है जगह जगह कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। शुक्रिया तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए दिव्यांकर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।